एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री, तो दूसरी तरफ कैथोलिक संप्रदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु। इस तस्वीर की चर्चा आज पूरी दुनिया में है। एक तरफ सियासत के सबसे शक्तिशाली नेताओं में एक नरेंद्र मोदी, तो दूसरी तरफ आध्यात्म की शक्ति का प्रचार करने वाले संतों में एक पोप फ्रांसिस। रोम की यात्रा बिना वेटिकन सिटी के कैसे पूरी की जा सकती है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कैथोलिक ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप फ्रांसिस से मुलाकात के लिए वेटिकन सिटी पहुंच गए। तय कार्यक्रम के मुताबिक पोप और पीएम मोदी की मुलाकात का शेड्यूल सिर्फ 20 मिनट का रखा गया था, लेकिन ये मुलाकात कब एक घंटे से ज्यादा हो गई पता ही नहीं चला। इस मुलाकात के दौरान दोनों शख्सियतों के बीच जलवायु परिवर्तन से लेकर गरीबी से लड़ने तक कई गंभीर मुद्दों पर बातचीत हुई। जलवायु परिवर्तन इस बार G20 सम्मेलन का मुख्य मुद्दा भी है। पोप को उपहार के रूप में पीएम मोदी भारत से खास तौर पर तैयार किया हुआ एक कैंडल स्टैंड ले गए थे। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत की तैयारियों से जुड़ी एक बुक भी पोप को गिफ्ट की गई। बदले में वेटिकन यात्रा को यादगार बनाने के लिए पोप ने भी पीएम मोदी को एक खास तोहफा दिया। पीएम मोदी के अलावा पोप ने एनएसए अजीत डोभाल और भारत के अधिकारियों को भी कुछ खास तोहफे दिए। इसके बाद पोप ने पीएम मोदी को गले लगाकर विदा किया। इसके बाद पोप पीएम मोदी को छोड़ने दरवाजे तक आए और मोदी ने भी पोप को भारत आने का निमंत्रण दिया, जिसे पोप ने स्वीकार कर लिया। पोप फ्रांसिस से विदा लेने के बाद पीएम मोदी तय कार्यक्रम के तहत G20 शिखर सम्मेलन में रोम कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। यहां ऑफिशियल वेलकम के तौर पर सभी नेताओं का ग्रुप फोटो लिया गया। फोटो सेशन के दौरान पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के बीच खड़े थे। इस दौरान इमैनुअल मैक्रों ने मास्क को लेकर एंजेला मर्केल से मजाक किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी टोक दिया और एंजेला मर्केल ने मास्क उतार दिया। शायद ये नेता ग्रुप फोटो के लिए ऐसा करने के लिए कह रहे थे। G20 में शामिल नेताओं के ग्रुप फोटो में आई तस्वीरों की भी इस समय पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर हाथ रखकर बातचीत का ये अंदाज पहले किसी ने नहीं देखा होगा। ये पीएम मोदी की जो बाइडेन से दूसरी मुलाकात है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बोल रही है कि दोस्ती बहुत पुरानी है। कुछ इसी तरह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी पहले पीएम मोदी से गले लगकर मिले, बाद में कंधे से कंधा मिलाकर भारत फ्रांस की दोस्ती को आगे बढ़ाने वाले अंदाज में बात करते हुए दिखाई दिए। बाद में दोनों नेताओं ने बैठक कर कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बातचीत में मौजूद रहे। G20 शिखर सम्मेलन की मीटिंग्स की शुरुआत से पहले पीएम मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के बीच बातचीत हुई। यह तस्वीर बताती है कि भारत का दूसरे देशों के साथ संबंध कितना मजबूत है। आज G20 सम्मेलन का दूसरा दिन है। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत की भूमिका के बारे में दुनिया का हर देश जानना चाहता है।